हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ वेलकिन नेशनल स्कूल वसई ईस्ट। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर मिस ज्योति सिंह। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू टॉपिक इन अ ग्रामर, दैट इज़ सब्जेक्ट, वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। दिस इज़ योर 17th चैप्टर फ्रॉम योर इंग्लिश ग्रामर बुक स्टैंडर्ड 5th। नाउ वॉट इज़ दिस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट? वी ऑल नो दैट सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन अबाउट होम वी आर टॉकिंग। लेट्स सी, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। द मैन लाफ्स। एंड रीड द सेकेंड वन, द मैन इज। नाउ इन बोथ दिस सेंटेंस देर इज समथिंग मिसिंग। हियर माई सेंटेंस इज कम्प्लीट। आई एम टॉकिंग अबाउट होम, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन, एंड वॉट ही इज डूइंग इज लाफिंग। बट इन द माई सेकेंड सेंटेंस द मैन इज। नाउ हियर इज के आगे क्या है? कुछ नहीं है। सो ये मेरा जो है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है। दैट इज़ वाई इन सेंटेंस वन अबाउ मेक्स कम्प्लीट सेंस। इन माई फर्स्ट सेंटेंस इट इज़ मेकिंग अ कम्प्लीट सेंस, बट इन द सेकेंड सेंटेंस इट डजेंट मेक एनी सेंस, सो इट इज़ इनकम्प्लीट। सेंटेंस टू अबाउ विल मेक सेंस इफ़ यू एड द वर्ड हैप्पी टू ईट। सो वॉट इट इज सेइंग कि अगर मैं मेरे सेकेंड सेंटेंस में यहाँ पे द मैन इज़ हैप्पी या द मैन इज सैड, द मैन इज लाफिंग, अगर ऐसा लिखा होता तो वो सेंटेंस जो है वो सेंस बनाता, एक कंप्लीट मीनिंग होता। द वर्ड हैप्पी इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट, अ वर्ड यूज आफ्टर द वर्ब टू कम्प्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट। नाउ वॉट इज कॉम्प्लीमेंट? जो वर्ड हम यूज़ करते हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, दैट इज माई कॉम्प्लीमेंट। नाउ टेक द एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज अ लॉयर। सो माई सब्जेक्ट, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम फादर के बारे में बात कर रहे हैं। सो माई फादर इज़ दी सब्जेक्ट। हम जिनके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। एंड हियर वर्ब, दिस इज़ द हेल्पिंग वर्ब इज। अंडरस्टूड स्टूडेंट? इट डजेंट मीन दैट अगर एक्शन वर्ड नहीं है तो वर्ब कैसे होगा। वर्ब आर योर हेल्पिंग वर्ब्स ऑल्सो। इज, आर, एम इज योर हेल्पिंग वर्ब। सो इज़ द हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस। एंड माई फादर इज डैश। नाउ वॉट ही इज, वो क्या है? वो लॉयर हैं। सो लॉयर विल बिकम योर कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड वन, दोज मैन आर फेमस। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट होम? मैन, दोज मैन, एंड द वर्ब इज आर फेमस। नाउ हाउ, वट अबाउट मैन? हम मैन के बारे में क्या बातें कर रहे हैं? दैट दे आर वेरी फेमस। सो फेमस विल बी माई कॉम्प्लीमेंट। थर्ड वन, द चिल्ड्रेन सीम्ड टायर्ड। सो वी आर टॉकिंग अबाउट होम? वी आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रेन। सो चिल्ड्रेन इज द सब्जेक्ट। सीम्ड मतलब दिखना, बच्चे क्या दिख रहे हैं? थके हुए दिख रहे हैं, टायर्ड दिख रहे हैं। सो द चिल्ड्रेन विल बी माई सब्जेक्ट, वर्ब विल बी द सीम्ड, एंड कॉम्प्लीमेंट इज माई टायर्ड। वो कैसे हैं? थके हुए हैं, टायर्ड हैं, उनके बारे में क्वालिटी बताई जा रही है। सो जो हमारे सब्जेक्ट का क्वालिटी बताता है, हमारे सब्जेक्ट को कम्प्लीट करता है, दैट इज़ योर कॉम्प्लीमेंट। द लेडी अपियर्स ग्लैड। हाउ द लेडी अपियर्स? लेडी अपियर्स ग्लैड। सो आई होप यू अंडरस्टूड वॉट इज सब्जेक्ट, वॉट इज वर्ब, एंड वॉट इज कॉम्प्लीमेंट। नाउ लेट्स गो टू द एग्जाम्पल एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ सूटेबल कॉम्प्लीमेंट्स गिवेन इन द लिस्ट बिलो। सब्जेक्ट एंड वर्ब इज ऑलरेडी क्लासिफाइड, इट इज़ ऑलरेडी गिवेन। वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट राइट द कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द गिवेन टेबल, फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट। सो योर ब्यूटिफुल, अनहैप्पी, काम, वर्म, डेंस, सार, डॉक्टर, रीटा। द क्लाइमेट इज हाउ? इट इज़ वार्म। नाउ द ऑरेंजेस, द ऑरेंजेस टेस्टेड। ऑरेंज का टेस्ट कैसे होता है? ब्यूटिफुल? नो। अनहैप्पी? काम? डेंस? नो। वॉट इट इज? ऑरेंज का टेस्ट होता है सार। सो आई हैव रिटन ओवर योर सार, द ऑरेंजेस टेस्टेड सार। माई फ्रेंड्स नेम इज डैश। नाउ फ्रेंड्स नेम इज ब्यूटिफुल। इज इट पॉसिबल टू राइट ब्यूटिफुल इन द नेम प्लेस? नो। अनहैप्पी? काम? डेंस? सार? डॉक्टर? रीटा। सो रीटा, माई फ्रेंड्स नेम इज रीटा।
In this way, students, you will solve this exercise. I hope you understood what is subject, what is verb, and what is complement.